नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दुष्ट इंसान, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रहा है जिसमें दूसरे इंसानों का बुरा है, इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने को तैयार हो जा। मूल है जंगल में अभी जान की शुरुआत थी। छोटू हिरन और रामू हाथी पानी पीने के लिए तालाब पर जा रहे। कितनी तेज धूप है, मुझसे तो अब बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। तभी अचानक आसमान से सोनू कबूतर जमीन पर आ गिरा। अरे ये तो सोनू कबूतर है, क्या हुआ तुमको सोनू? मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, लेकिन अब उड़कर तालाब पर जाने की हिम्मत नहीं है। अरे रामू हाथी देख क्या रहे हो, जल्दी से इसको उठाओ। रामू हाथी ने सोनू कबूतर को अपनी सूंड से उठाया और फिर ये दोनों उसको तालाब पर ले गए। पानी पीते ही सोनू कबूतर भी ठीक हो गया और इन दोनों ने भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ पर टीनू चिड़िया आई जो कि बहुत प्यासी थी, उसने भी पानी पिया। लेकिन तभी इन तीनों ने टीनू चिड़िया की आंखों में आंसू देखे। क्या हुआ टीनू, तुम रो क्यों रही हो? छोटू हिरन, मैं मेरे बच्चे के लिए खाना तलाश करने गई थी, वापस पहुंची तो मेरा बच्चा गर्मी और प्यास की वजह से मरा हुआ पाया गया। ये सुनकर इन तीनों को बहुत दुख हुआ। इसी तरह दिन गुजरते गए और गर्मी भी बढ़ती रही। तालाब का पानी तेजी से सूख रहा था, जिससे ज्यादा पक्षियों ने गर्मी के मारे अपना दम तोड़ दिया। एक दिन छोटू हिरन तालाब पर पानी पीने गया तो उसने पाया तालाब आधा सूख चुका था। धूप कितनी तेज हो रही है और ये तालाब भी कितना छोटा होता जा रहा है, ऐसा चलता रहा तो हम जंगल वासियों का क्या होगा? छोटू हिरन गहरी सोच में डूब गया और एक फुलवारी में जाकर बैठा। तभी उसने एक आवाज सुनी। नीली परी, तूने मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं की ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। दुष्ट इंसान, मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की है, लेकिन अब तू ऐसी ख्वाहिश कर रहा है जिसमें दूसरे इंसानों का बुरा है, इसलिए मैं ऐसी ख्वाहिश को कैसे पूरा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती तो मरने को तैयार हो जा। शिकारी ने एक खड्डे में उस बोतल को रख दिया और इस पर मिट्टी डालकर चला गया। तभी छोटे हिरन उस जगह पर पहुंचा तो देखा जमीन से आवाज आई। अब तो मेरा मरना तय है, इस जंगल में तो मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आ सकता, नहीं कोई मुझे सुनने वाला है। अब छोटू हिरन ने अपने पंजों की मदद से खड़ा फिर से खोदा और बोतल नजर आने लगी। डरो मत नीली परी, छोटू हिरन के होते हुए तुमको कुछ नहीं हो सकता। छोटू हिरन ने बोतल से लगा हुआ ढक्कन हटा दिया और नीली परी इसे बाहर आकर अपनी असली रूप में आ गई, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। क्या हुआ नीली परी, तुम खड़ी क्यों नहीं हो रही हो? छोटू हिरन, हर परी को जिंदा रहने के लिए हर 7 दिन में 3 चमेली के फूल खाने होते हैं, और इस दुष्ट इंसान ने पिछले 6 दिनों से मुझे इस बोतल में कैद कर रखा है, इसलिए मैं कमजोर हो चुकी हूँ। ना ही मैं उड़ सकती हूँ, ना ही मेरा जादू काम कर रहा है, और अब मैं मरने वाली हूँ। तो फिर बताओ तुमको कैसे बचाया जा सकता है, क्या वो चमेली के फूल मैं तुमको ला कर दूँ? हाँ, अगर तुम शाम होने से पहले ले आओगे तो मैं बच जाऊंगी। मुझे पता है चमेली के फूल कहाँ उगते हैं, मैं अभी उन्हें लेने जा रहा हूँ। छोटू हिरन वहाँ से निकल गया। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है, पहले पानी पी लेता हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ने की हिम्मत आएगी। छोटू हिरन तालाब पर पहुँचा तो वहाँ का पानी अब और ज्यादा सूख चुका था। रामू हाथी, सयाल, लकड़ भकर, लूमड़ी, कई जानवर वहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन सभी की हालत बहुत खराब थी। अरे ये तुम लोगों को क्या हो गया? हम लोगों को बहुत प्यास लग रही है, लेकिन जितनी तेजी से तालाब का पानी सूख रहा है
हमने सोचा कि हम सिर्फ अपनी आखिरी सांस पर ही पानी पिएंगे, क्योंकि हम पानी पी गए तो बाकी सारे जानवर प्यास से मर जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि हम सभी मरने वाले हैं, लेकिन मैं मरते मरते किसी की जान जरूर बचाऊंगा। ये कहकर छोटू हिरन बिना पानी पिए ही वहाँ से चला गया, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी वजह से तालाब का पानी खत्म ना हो। धूप बहुत तेज थी और छोटू हिरन पहले ही प्यासा था, इसीलिए उसको भागने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस तरह नीली परी भी मरने को तैयार थी और दूसरी तरफ जंगल के बाकी जानवर। ऐसे में छोटू हिरन के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। वो आधे घंटे के सफर के बाद एक फुलवारी में पहुंचा। वहां काफी ढूंढने पर उसे चमेली का फूल मिल गया। शुक्र है ऊपर वाले का कि चमेली का पौधा मिल गया। उसने चमेली के कुछ फूल तोड़े और वहां से भागा। अब उसके अंदर बहुत कमजोरी आ गई थी, फिर भी परी की जान बचाने के लिए उसने बहुत हिम्मत दिखाई और उसके पास पहुंच गया। ये लो नीली परी, मैं चमेली के फूल ले आया। उस पर परी ने मरी सी आवाज में कहा, लाओ मेरे हाथ में दे दो। छोटू हिरन ने वो फूल परी के हाथ में दे दिए। परी ने एक एक करके तीनों फूल खा लिए और कुछ देर आराम से लेटी रही। अब उसका बदन दुरुस्त होने लगा, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर स्माइल आ गई और वो उठ खड़ी हुई। मैं ठीक हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से प्यारे हिरन भाई। मुझे खुशी है कि मैं तुमको बचा पाया। ये कहते हुए छोटू हिरन अब जमीन पर ढेर हो गया। अरे छोटू हिरन, ये तुमको क्या हुआ? मैं सुबह से प्यासा हूँ, तालाब सूख रहा है और सभी जानवर तालाब के पास जमा है। वो सभी जिंदा रह सके इसीलिए मैंने तालाब का पानी नहीं पिया। अरे प्यारे हिरन, तुम तो बहुत परोपकारी हो, लेकिन तुम अब फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी। यह कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो दोनों तालाब पर पहुंच गए, जहां पर बाकी सभी जानवर बहुत ही बुरी हालत में पड़े थे और अब तालाब पूरी तरह से सूख चुका था। छोटू हिरन तुम आ गए, चलो अच्छा हुआ, अब हम सभी एक साथ इस दुनिया से जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा प्यारे दोस्तों। यह कहकर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और तालाब पूरी तरह से पानी से भर गया, जिसे देखकर सभी जानवर उठकर पानी पीने लगे। पानी पीते ही सबकी जान में जान आ गई और उनके चेहरे खिल उठे। नीली परी, तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान बची है, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें समझ नहीं आ रहा। नहीं, मेरी जान छोटू हिरन ने बचाई है, तभी मैं आप लोगों की जान बचा सकी। तुम्हारा धन्यवाद दोस्त, हम जंगलवासी बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे जंगल में तुम्हारे जैसा एक परोपकारी सदस्य भी है। सही कहा, और एक बात और मैं तुम सभी को बताना चाहती हूँ, ये तालाब अब कभी नहीं सूखेगा। पूरे दिन में जितना भी पानी तुम लोग खर्च करोगे, रात होने पर उतना ही पानी वापस इसके अंदर आ जाया करेगा। अरे वाह, अब तो मजा ही आ गया। ये कहकर सभी जानवर तालाब में कूद गए और मजे से नहाने लगे। छोटू हिरन और परी उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगे।